हमारा पिज़्ज़ा आ गया और देखें हमारे साथ है कौन इस वक्त। हाय करो हमारी ऑडियंस को। हेलो, हाय, अस्सलामु अलैकुम। तो सबसे पहले सबको मुबारक हो रमज़ान की। तो जिसने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जितना हो सका डेली व्लॉगिंग जारी रखेंगे। सो गली में कोई नहीं है और आपका भाई अकेला व्लॉगिंग करते जा रहा है। कुत्ता शुत्ता पड़ गया, कोई सीन पता नहीं चलना। सो आपका भाई अभी दही लेने जा रहा है और साथ दूध लेना है, तो चलते हैं। भैया सामान पकड़ते हुए जा रहे हैं, फुल अंधेरा है, कुत्ता शुत्ता को कोई पता नहीं। भाई फर्स्ट डे है आज कि तुम ही निकल आया ना, तो बोल भाई दे थे पटाखे पे जाने। तकरीबन 4:30 हो चुके हैं और आपका भाई चाय पी रहे हैं। सो चाय पीने की रीज़न फ्लू, रमज़ान चढ़ते ही आपके भाई को फ्लू भी हो गया है। A few moments later. काकी के लिए दूध लेने आया हूँ मैं दुकान पर। तो आपका भाई उन लोगों की तरह नहीं है जो रोज़ा रख के सारा दिन सोए रहते हैं। सो आई बाय दिस फॉर दिस बच्चा। गुड मॉर्निंग। खैर अब तो आफ्टरनून हो गया है, लेकिन तुम्हारे लिए गुड मॉर्निंग है ना तेरी। हाँ भी रोज़ा तो नहीं लग रहा तुम्हें, है तुम्हारा रोज़ा? देखो कितनी जीजियां लेके बैठा हुआ है, कैमरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। व्लॉगिंग कर ली तुमने, ये देखो इसके काम। सो यार आपके भाई के बाल छाल भी कटवाने वाले हो गए, तो टाइम निकाल के बाल छाल भी कटवाते हैं। आपको शान साहब को चाय भी पिलानी है, तो शान को आज चाय भी पिलाएंगे रात को अफ्तारी के बाद। एक बजे से उठा हुआ है और काम पे लगा हुआ है, क्या बात है। और वो लोग जो रोज़ा रख के सोए होते हैं और उठते हैं जी अफ्तारी से 10 मिनट पहले, उनकी तो सुभान अल्लाह। और कल तक तो ये फील ही नहीं हो रहा था कि जी रोज़ा है, जब सहरी किए तो पता चला कि यार रमज़ान आ गया है। तो थोड़ी देर तक पकौड़े शकौड़े का इंतज़ाम, मेरे सामने ये सब हो रहा है। और लड़कियों का हौसला होता है यार, जो मतलब सब कुछ बनाती है और फिर उसके बाद रोज़ा खोलती हैं। आज पता चल रहा है कि इतना कुछ सामने बनाते वक्त कितनी भूख लगती है। सो भाई जो भी इस ब्रांड से इंस्पायर्ड है खुदा का ना जी आ ना ले, देखो हाल इससे अच्छी तो ये लोकल है भाई। लोकल के रिजल्ट आप देखें और आप ब्रांड दे लुटे पुटे। खैर डोंट इंस्पायर्ड बाय मनो सलवा रोल पट्टी समोसा पट्टी, उससे अच्छी लोकल है, आप जाके लोकल लें और ये बेस्ट रहेगी, सस्ती भी है 100 रुपये। ख्याले हजरत जो आ गया है हुदूद गम से निकल गया हूँ। संडे वाले दिन पूरा लग रहा है, तो आज तो आपका रोजा था। नहीं आज नहीं है, चीज़ रोजा रखे आज। इधर लो, आपने कहा संडे को रोजा रखना है, आप आते जाते हो चीजियां लेते रहते हो। रोजे में पूरा दिन कोई चीज नहीं होती। हेलो, सो अभी असर की नमाज़ पढ़कर आ गए हैं और के भाई ने आज काफ़ी वॉक कर लिए और फर्स्ट रोज़ा था। मैं इस तरह की रूटीन रखता हूँ, थोड़ी सी बिजी ताकि रोज़ा थोड़ा सा लगे भी। अभी थोड़ी देर पहले वो थोड़ा सा खाना वगैरह बनाया है, फिर बच्चों को लेके आया हूँ मैं। आज बात करते हैं फ़लस्तीन पर कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। फ़लस्तीन में गज़ा में बच्चों पर, औरतों पर,
और तमाम जो मुसलमान उधर रह रहे हैं उन पर बहुत ही बुरे तरीके के साथ जुल्म किया जा रहा है, दिन रात वहाँ धमाके किए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से। तो हम यहाँ बैठकर इसराइल के लिए कुछ नहीं कर रहे। हमने एक दो हफ्ते तो बायकॉट का ऐलान किया कि जी हम बायकॉट कर रहे हैं इसराइल के ब्रांड्स का, ये वो, लेकिन एक दो हफ्ते के बाद फिर से जिन चीज़ों का बायकॉट किया था मुसलमानों ने, हमने उस बायकॉट को ही बायकॉट कर दिया। अगर हम खुद उधर जाकर जंग नहीं लड़ सकते तो हमें इधर बैठकर ही जिहाद करना चाहिए। जैसे कि जो इसराइल के ब्रांड्स हैं हम उनका बायकॉट करें, उनके लिए दुआएं करें। इस रमज़ान में हम जितनी भी नमाज़ें पढ़ते हैं उसके बाद हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ करें, तो ये हमारे लिए जिहाद काउंट हो जाएगा। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो हमें क़यामत वाले दिन हिसाब देना पड़ जाएगा। तकरीबन 10 मिनट रह गए अफ्तारी में, तो मिलते हैं फिर अफ्तारी के साथ। फ्लू भी है साथ, तो अभी दाने लाया तो दाने के साथ अभी पिज़्ज़ा शीज़े का कुछ सीन बनता है, तो अभी उधर जा रहे हैं, अभी जाकर आपको बताते हैं क्या सीन। सो गाइस हमारा पिज़्ज़ा आ गया और देखें हमारे साथ है कौन इस वक्त। हाय करो हमारी ऑडियंस को। सो दाने भैया आपको कैसे महसूस हो रहा है, आपके वुल्फ ने 11 मंथ बाद यूट्यूब पर बैकअप किया है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दानियल साहब यूट्यूब उदास हो गई थी, उनका सीईओ कह रहा था कि हमने यूट्यूब छोड़ देना अगर वुल्फ वापस ना आया, तो इस वजह से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। मस्त जोक मारा रे यार। फिर हमारी आंख साहब क्या हाल है? बहुत मजे का था, आपने बहुत कम खाया। सो इसकी प्राइस के बारे में बताएं, पूरे साहिवाल में सबसे सस्ता है कहा जाता है इसको। और इसकी खासियत बताएं कि ये सबके सामने बनाया जाता है, तंदूर के अंदर इसको बनाया जाता है। तंदूर के अंदर वो दिखाएं, तंदूर सामने, वो तंदूर है, तंदूर अभी बंद है। और इसके अंदर बोटियां डाली जाती हैं जी, और मजीद और मामाओं की मांग। उसके बाद जी जी इसके अंदर प्याज डाली जाती है जी जी, टमाटर डाली जाते हैं और दुआएं डाली जाती है। ये इसका स्ट्रक्चर है और यहाँ ये बनता है और ये जा रहा है ये। सो अभी पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था और उसके बाद शान साहब आ गए, लेकिन शान साहब ने चाय नहीं पी, उन्होंने हमसे डेयरी मिल्क वसूल किए और दानियल के साथ और शान के साथ काफ़ी शुगर मेला लगाया आज। तो आज आपके भाई की ज़रा बियर डाउन थी, इस वजह से ज़रा दोस्तों के साथ शुगर मेला और उस तरह बाहर सैर व तफरी नहीं की जिस तरह हम रमज़ान में दोस्तों के साथ शुगर लगाते हैं और फुल मौज मस्ती के साथ अपना व्लॉग बनाते हैं। तो इंशाल्लाह अभी तक फ्लू है, मैंने मेडिसिन तक नहीं खाई, बहुत लेज़ी हूँ इस मामले में मैं मेडिसिन वाले। सो मेडिसिन वगैरह नहीं खाई, अभी सारा व्लॉग एडिट किया है और बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाते और एडिट करते वक्त। एडिट करने में तो वैसे ही बहुत घंटे लग जाते हैं। पिछले व्लॉग पे भी अभी कॉपीराइट की एक क्लेम आया हुआ है और म्यूज़िक भी बहुत जगह से ढूंढ कर लगाने पड़ते हैं। अभी नशीद्स मैंने की थी नो कॉपीराइट और हमारी रिंग लाइट तो वो लगी हुई है और हम मोबाइल की फ्लैश लाइट से व्लॉग बना रहे हैं। सो आई होप के व्लॉग अच्छा लगा होगा और बहुत सारे मज़ेदार व्लॉग आने वाले हैं। बस एक दफ़ा तबीयत फिट हो जाए और उसके बाद दोस्तों के साथ काफ़ी शुगर मेला लगाएंगे। शायद कुछ दोस्तों का कमबैक भी हो, वो चाहते हैं कि कमबैक हो, बट बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद बहुत सारे कमबैक्स होते हैं, कमबैक इस तरह ही नहीं हो जाते। तो जैसा कि रमज़ान में हमारे सब दोस्त अवेलेबल होते हैं तो बहुत शुगर मेले वाले व्लॉग होने वाले, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।